हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप यहाँ पर सर्विसेज को क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है DNS क्लाइंट, तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, ओके। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आप जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर से ऑल सेटिंग्स को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। फिर आप जो है उसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। और आपको यहाँ पर एक और कमांड जो है टाइप कर देना है, इस तरीके से टाइप कर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर आप जो है गूगल क्रोम ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।